Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So, चलिए देखते हैं कौन से articles हैं जो आज हम लोग discuss करने वाले हैं. The first article is on India-Bangladesh visit. So, यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के जो relations हैं वो कैसे रहे हैं over the years. बांग्लादेश क्या significance रखता है इंडिया के लिए, कौन से major infrastructure projects हैं, as well as जो water sharing treaties है उसका क्या evolving strategy है, कैसे कैसे उसमें returns हैं, as well as क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी नाउ फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक नॉन एज द इंडिया मंगोलिया रिलेशंस. सो यहाँ पर देखेंगे जो मंगोलिया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है मंगोलिया को इंडिया के साथ रिलेशंस रखने में, एज वेल एज कौन से बाकी के और प्लेयर्स हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं मंगोलिया में. ऑल दिस थिंग्स वुड बी नाउ सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ साइंस एंड टेक टॉपिक नॉन एज अ डार्क स्काई रिजर्व. सो यहाँ पे बेसिक से समझेंगे कि डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है, कौन करार करता है कि डार्क स्काई रिजर्व ये है कि नहीं, कैसे जो है हम लोग चूज करते हैं, उसके क्या क्या एफेक्ट्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दोज थिंग्स वुड बी नाउ थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू नैनो यूरिया. सो यहाँ पर देखेंगे जो नैनो यूरिया है ये क्या है, क्या सिग्निफिकेंस रखता है नैनो यूरिया, कैसे कन्वेंशनल यूरिया से ये बेटर है, ऑल दोज थिंग्स वुड बी नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू दी रॉकेट स्टेजेस, जहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे रोहिणी रॉकेट सिस्टम्स के. ये जो रोहिणी सिस्टम है वो क्या है, क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कैसे उसका नाम जो है उसे हम लोग साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं, क्या है रोहिणी सिस्टम, कौन से है ऑपरेशनल साउंडिंग रॉकेट सिस्टम्स इन इंडिया, ऑल दोज थिंग्स वुड बी नाउ फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज ऑन द इंडिया बांग्लादेश टाइज. अब जो इंडिया बांग्लादेश टाइज है दैट हैज बीन ओवर द न्यूज फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम, और इस वजह से हम लोग ने काफी डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, स्टार्टिंग फ्रॉम की क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कौन से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं दैट इन विच द अगरतला अखोरा रेल लिंक इज देयर, दिस सिलीगुड़ी पार्थिपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज देयर, एज वेल एज जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है वो कौन से ट्रीटीज़ हैं, कौन से रिवर्स में हैं, एज वेल एज कौन से रिवर्स में हम लोग आगे जाकर ट्रीटीज़ जो हैं वो ओपन अप करने वाले हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन दी 10th August वीडियो. सो प्लीज़ रेफर टू दी वीडियो हियर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑन इंडिया मंगोलिया टाइज. अब यहाँ पर देखते हैं जो इंडिया मंगोलिया टाइज है ये क्या है, स्टार्टिंग विद द सिग्निफिकेंस ऑफ मंगोलिया. मंगोलिया का क्या सिग्निफिकेंस है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मंगोलिया इज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक पोजिशन के वजह से. क्यों, क्योंकि इट इज़ एट दी क्रॉस जंक्शन में है, किसके बीच में, इन दी बिटवीन द सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, चाइना एंड रशिया. सो यह सब जो है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इन सब के क्रॉस जंक्शन में कौन है, मंगोलिया. इस वजह से हर एक ग्लोबल पावर कहीं ना कहीं मंगोलिया में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बरकरार रखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है. सो दैट इज़ द रीज़न मंगोलिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो. देन मंगोलिया क्या कंसिडर करता है इंडिया को, मंगोलिया कंसिडर्स इंडिया एज इट्स स्पिरिचुअल नेबर, द थर्ड नेबर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, एज वेल एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. अब क्यों इतना स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज द बुद्धिज्म वेंट्स टू मंगोलिया फ्रॉम इंडिया, पर्टिकुलरली दी महायाना बुद्धिज्म, जो महायाना बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं मंगोलिया में कहाँ से पहुँचा, इंडिया से पहुँचा. सो दैट इज वाई मंगोलिया कंसिडर्स इंडिया एज इट्स सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एज वेल एज द स्पिरिचुअल नेबर. देन इंडिया वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द सोवियत ब्लॉक, आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक, जो कि कंसिडर किए इनको और क्या किए, और अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो चैनल्स हैं वो ओपन किए बैक इन 1955 से ही अपने जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो ओपनड अप है. एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ये डेवलप होते गया. एंड रिसेंटली वी आर हैविंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके कारण कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ मंगोलिया. नेक्स्ट थिंग इज कि इंडिया जो है, इंडिया मंगोलिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लागू करना चाहता है. उसमें वन ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज द मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट ओआरपी, जो कि कहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाला है, इन दी रोनाकबी प्रोविंस ऑफ मंगोलिया, जो कि डिक्लेयर किया गया था बैक इन 2021, टू बी स्पेसिफिक जनवरी 2021 में ये अनाउंस किया गया था. अब अगर इन केस ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट होता है, ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है, दैट वुड बी अ बिग कॉस्ट. क्यों, क्योंकि जो मंगोलिया है, मंगोलिया का अराउंड 75% ऑफ मंगोलियाज ऑयल रिफाइनिंग नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकता है, कौन,
ये 10 रिफाइनरी जो कि इंडिया के हेल्प के थ्रू वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दैट इज वाई मंगोलिया इज हैविंग अ क्लोज टाइज विद इंडिया, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रिलायंस के ऊपर पुश कर रहा है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई द इंडिया मंगोलिया रिलेशनशिप इज ग्रोइंग एज वेल एज। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक पोजिशन ही नहीं, मंगोलिया इज ऑल्सो होम टू सेवरल मिनरल फॉर एग्जाम्पल दी कॉपर एज वेल एज दी यूरेनियम। सो कॉपर और यूरेनियम जो है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनका सेक्टर जो है माइनिंग सेक्टर एज वेल एज दी मिनरल्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया कुड टेक यूज ऑफ दोज मिनरल्स, इंडिया कुड टेक यूज ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर बेटर है इन कंपेरिजन टू इंडिया। सो दैट वुड बी हेल्पफुल टू प्रोग्रेस, टू पुश इंडिया टूवर्ड्स अ ग्लोबल लीडर। सो दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज हैविंग अ क्लोज टाइज with Mongolia. Now with understanding of the topic, let's move to our next topic which is on the Dark Sky Reserve. Ab ye jo topic hai, this is quite purely science and tech oriented. So let's see from the basics. Basics se jante hain, first of all, Dark Sky Reserve jo hai wo hota kya hai. So Dark Sky Reserve hai, ye ek area hota hai, ek reserve hota hai, ek observatory ke agal bagal mein, jo ki is free of, is kept free of artificial light pollution. Artificial light pollution matlab जो फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो रूम्स के जो लाइट्स हैं, जो फ्लाइट्स के जो फ्लैश लाइट्स होते हैं, जो कार के जो लाइट होते हैं, ये जितने भी लाइट्स होते हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट्स। अभी जो आर्टिफिशियल लाइट्स है ये अगर ह्यूज अमाउंट में हो सो दैट वुड अमाउंट टू अ लाइट पोल्यूशन, और ये जो जगह हैं दीज आर केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एक जगह को दिस डार्क स्काई रिजर्व का टैग दिया जाएगा, बिकॉज टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी। So astronomy, promoting astronomy is one of the primest reasons to declare an area as dark sky reserve. But this is not the only reason. Yes, सबसे important objective है to promote astronomy, but it is not the only. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे reasons है. For example, it could aid, it could have so many faces. For example, history, philosophy, religion, societal development, science, mathematics, as well as environmental history. So ये सब चीज़ों से भी कौन रिलेटेड है, डार्क स्काई रिजर्व इज इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ वाई इंडिया में जो डार्क स्काई रिजर्व जो कि घोषित होने वाला है, दैट इज़ मेकिंग ह्यूज हेडलाइंस। सो कौन सा एरिया है जहाँ पर इंडिया में पहले ये डिक्लेयर किया जा रहा है, द एरिया इज इन द चंगतंग वाइल्ड सेंचुरी। चंगतंग वाइल्ड सेंचुरी में है, जो कि कहाँ पर है, हानले में है इन लद्दाख। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस कुड बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। सो चंगतंग वाइल्ड सेंचुरी जो कि हानले में है, इट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। अब ये क्यों हम लोग हानले को ही चूज करें, क्यों ये एरिया को पर्टिकुलर चूज करें, क्यों और कोई एरिया नहीं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्या रीजन है, बिकॉज फर्स्ट रीजन इज कि हानले में क्या है, पहले से ही काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द ऑप्टिकल गामा रे एज वेल एज द इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो कि आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हो। इसके साथ साथ ये जो एरिया है, ये एरिया इज हैविंग अ ड्राई वेदर। अब ड्राई वेदर होने के वजह से यहाँ पर क्या है, यू आर हैविंग क्लाउडलेस डेज एंड नाइट्स। क्लाउडलेस नाइट्स है, वहाँ पर जो बादल है बादल नहीं है, और दिस लाइट पोल्यूशन तो है ही नहीं, और इस वजह से कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं आप, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन वाई हानले इज चूजन टू बी द इंडियाज फर्स्ट साइट फॉर डार्क रिजर्व। अब इसमें देखते हैं कौन सा अथॉरिटी है जो कि डिक्लेयर करते हैं, द अथॉरिटीज नेम इज IDA, इंटरनेशनल डार्क स्काई अथॉरिटी। अब ये डिजिग्नेट करता है कि कोई एक जगह जो है वो डार्क स्काई रिजर्व होना चाहिए कि नहीं, एंड दे आर हैविंग एन एप्लीकेशन प्रोसीजर, दे आर हैविंग एन रिग्रस एप्लीकेशन प्रोसीजर, जहाँ पर वो कैटेगरीज के बेसिस पर, जहाँ पर वो क्राइटेरियाज के बेसिस पर इवेल्युएट करते हैं कि एक जगह को डार्क स्काई रिजर्व घोषित करना है कि नहीं। नाउ एज ऑफ नाउ यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ अदर सर्टिफाइड डार्क स्काई रिजर्व इंटरनेशनली। नाउ प्लीज लेट मी रिमाइंड यू गाइज, इससे रट्टा नहीं मारना है, इसको यू डोंट हैव टू मग इट अप, डोंट गो बाय हार्ट, डोंट ट्राई टू बाय हार्ट दिस लिस्ट, दिस इज नॉट समथिंग दैट की UPSC वुड बी बॉदर्ड अबाउट। UPSC रेयरली एस्क अ पिन पॉइंट क्वेश्चन, काफ़ी कम ही होता है जहाँ पर वो पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं। सो प्लीज डोंट बॉदर टू मग दिस लिस्ट अप, गो थ्रू दिस लिस्ट एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फ्रॉम UPSC's प्रिपरेशन। विद दैट नाउ लेट सी कि इसके, जैसे मैंने कहा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने हानले को क्यों डार्क स्काई रिजर्व का टैग दिया, बिकॉज हानले में पहले से ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अब यूज कर सकते थे। अब उसमें वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट वाज द ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप जो कि इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप था। अब ये जो ग्रोथ इंडिया जो टेलीस्कोप है, उसमें जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ वर्ड है, दैट इज अ स्कीम, एक प्रोग्राम है। That program is a short form, वो जो ग्रोथ है, इट्स एन एब्रीवेशन ऑफ वाट
ऑफ द ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन। अब ये जो है ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, जो कि कौन फंड कर रहा है, द नेशनल साइंस फाउंडेशन इज फंडिंग। अब ये क्यों किया जा रहा है, टू हैव एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स एंड टेलीस्कोप्स, जो कि क्या करते हैं वो, टू स्टडी द शॉर्ट लिव कॉस्मिक ट्रांजिएंट एज वेल एज ए नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। इन्हें स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन है 5 साल का, जिसे क्या कहते हैं, एब्रिवेट करके हम लोग कहते हैं ग्रोथ। अब इसका जो मकसद है, ये मकसद क्या है, ये मकसद ये है कि वो जो एक्सप्लोशंस है, जो कि कहीं ना कहीं जो ऑप्टिकल रेजिम्स के जो एक्सप्लोशंस है उसे वो ऑब्जर्व करें, और उसके लिए उनके पास क्या है, लीगो है, जिसे कहते हैं हम लोग लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, एज वेल एज जो सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन है उसे स्टडी करें, एंड जो एस्ट्रॉइड्स हैं उसे भी देखें। अब ये तीन जो है, ये दीज थ्री आर द मेजर गोल्स ऑफ वर्ड ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम, और इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए इंडिया में भी एक टेलीस्कोप है ग्रोथ के थ्रू, दैट इज नॉन एज द ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, एंड ये दिस टेलीस्कोप इज द इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, एंड दिस टेलीस्कोप जैसे मैंने कहा वॉज टू एक्सप्लोर द स्पेस, पर्टिकुलरली टू एक्सप्लोर दीज थ्री रीजन्स। अब यहाँ पे जो है ये जो टेलीस्कोप है, इट्स एन जॉइंट प्रोजेक्ट, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है किसके बीच में, द बैंगलोर बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एज वेल एज द IIT बॉम्बे, ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि ग्रोथ जो है, इट इज़ नॉट द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, काफ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि वहाँ पर पहले से हैं, दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स क्यों हानले को चूज किया गया, अलॉन्ग विद इट्स क्लाइमेटिक फीचर्स, क्लाइमेटिक फीचर्स वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट, बट इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से है। अब कौन से और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, द गामा रे एरे टेलीस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं HAGAR, एज वेल एज द मीज, दैट इज द इमेजिंग शेरनॉफ टेलीस्कोप। सो दीज आर सम ऑफ द टेलीस्कोप जो कि पहले से ही हानले में है, दैट वॉज वन ऑफ द रीजन वाई हानले वाज taken, chosen to be a dark sky reserve. Now with an understanding of the topic, let's move to our next topic, that is on nano urea. यहाँ पर देखते हैं नैनो यूरिया क्या है। Now let me again have a disclaimer here. यहाँ पर एक debate है, कुछ scientific fraternity के कुछ लोग कहते हैं कि नैनो यूरिया जो है वो कहीं ना कहीं benefit provide करेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं benefit provide नहीं करेगा। So please ये debate जो है, ये debate में ना जाएं, that is for the scientific fraternity to decide. वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो यूरिया, क्या है, कैसे वो डिफरेंट है और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। वंस दिस डिबेट इज सेटल्ड, देन उसके बाद हम लोग उस डिबेट के जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर जा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ प्लीज डोंट ड्वेल इन टू द डिबेट। विद दैट डिस्क्लेमर लेट्स स्टार्ट विद इफको। अब जब भी नैनो यूरिया का बात करते हैं, वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज इफको। सो व्हाट इज दिस इफको, इफको इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब ये क्या है, इट्स the one of India's biggest cooperative societies, biggest cooperative societies हैं जो कि wholly owned by Indian cooperatives, it's totally owned by Indian cooperatives। अब इसका objective क्या है, इसका objective ये है कि Indian farmers कहीं ना कहीं prosper करें, क्या के लिए, to have a supply of reliable high quality agricultural inputs and services in what, in a sustainable manner, in an environmentally sustainable manner, एंड उनका जो वेलफेयर है उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव करें। सो जो एग्रीकल्चर इनपुट एंड सर्विस है उसे कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं सेफ प्रोवाइड करें, अफोर्डेबल प्रोवाइड करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोवाइड के लिए, इसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इफको इज देयर। एंड एज ऑफ नाउ इट्स एन कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 36,000 इंडियन कॉपरेटिव्स। जब स्टार्ट हुआ था बैक इन 1967, इट वॉज ओनली अ ग्रुप ऑफ 57 कॉपरेटिव, बट एज ऑफ नाउ 36,000 इंडियन कॉपरेटिव है जो कि मिलकर कहीं ना कहीं इफको को बनाता है। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ इफको। नाउ विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफको, नाउ लेट्स मूव टू नैनो यूरिया, दैट इज अ लिक्विड नैनो यूरिया। अब ये क्या है, इट इज यूरिया, ये पर्टिकुलरली यूरिया है। सो फर्स्ट देखते हैं कि यूरिया क्या है। सो यूरिया इज अ केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कि वाइट इन कलर होता है, और वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन जो कि पौधों को जरूरत होता है। विद दैट नाउ लेट्स सी कि ये क्या है, इट इज यूरिया, ये यूरिया ही है, एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, बट इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स मतलब 10^-9 meters। अब ये जो रेंज है, ये रेंज में ये जो पार्टिकल्स हैं ये है, और ये पर्टिकुलरली हम लोग लिक्विड फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इस वजह से दैट इज एंड प्रोवाइडेड एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया, जो कि बिग चंक्स में होते हैं, जो कि कन्वेंशनली सॉलिड होते हैं। सो उनके अल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग क्या प्रोवाइड करें, लिक्विड नैनो यूरिया प्रोवाइड करें। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेवलप टू रिप्लेस द कन्वेंशनल यूरिया एज यू सो इन द फर्स्ट पॉइंट, एंड टू कर्टेल इट्स रिक्वायरमेंट बाय
50%, जो रिक्वायरमेंट है उसे कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हैं बाय अराउंड 50%. सो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू लिक्विड नैनो यूरिया. नाउ लेट्स सी कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. अब जैसे मैंने कहा, व्हाट इज दिस लिक्विड नैनो यूरिया? इट्स यूरिया इन नैनो पार्टिकल्स फॉर्म. सो दैट इज समथिंग दैट इज रिटन हियर. नैनो यूरिया लिक्विड कंप्राइजेस नैनो साइज नाइट्रोजन पार्टिकल्स, जिसका जो आप नैनो पार्टिकल्स में जब आप जाते हो तो जो सर्फेस एरिया है, सर्फेस एरिया बढ़ जाता है. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड एक्सप्लोर. सो यहाँ पर भी वही एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है. और इस वजह से क्या है, जब वो स्प्रे होते हैं लीव्स में, इट इज़ इमीडिएटली एब्जॉर्ब वाया दिस स्टोमाटा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और जो इंडिया का जो फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं कलोल इन गुजरात में. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट. विद दैट नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेजेस है, क्यों हम लोग लिक्विड यूरिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं. द फर्स्ट, इसकी जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो कहीं ना कहीं चीपर है. अगर आप लिक्विड नैनो यूरिया का दाम देखोगे सो इट्स अराउंड 240 रुपीज़ के करीब है. बट अगर आप कन्वेंशनल नैनो यूरिया जो कि आप इंपोर्ट करते हैं, जो इंडिया पर्टिकुलर इंपोर्ट करते हैं, वाई? बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू यूरिया. सो इंपोर्ट करता है, सो उसमें अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ लगते हैं. सो यू कैन सी द एस्पेक्ट, यू कैन सी द वेरिएशन इन द कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू लिक्विड नैनो यूरिया. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज चीपर. सेकेंड एस्पेक्ट, क्योंकि चीप है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा. और जब गवर्नमेंट को सब्सिडी ना प्रोवाइड करे तो जो गवर्नमेंट का फाइनेंसेस है वो क्रम्बल नहीं करेगा, वो डेवलप कर सकते हैं, वो और कोई वेलफेयर स्कीम में यूज कर सकते हैं. सो इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज इट्स एफिशिएंसी. कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है नैनो यूरिया का, बिकॉज ऑफ इट्स नैनो नेचर, कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है दैट्स क्वाइट हाई एज ऑफ 85 to 90%. अब इसका जो शेल लाइफ है जो आप यूज कर सकते हो दैट इज ऑल्सो ह्यूज. शेल लाइफ है दैट इज ऑफ 1 ईयर. एंड क्योंकि ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में है, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में है सो इट इज़ इमीडिएटली एब्जॉर्ब वाया स्टोमेटा. और इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये टारगेटेड सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स का. सो दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग. सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑन द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स. अब फर्स्ट बात करते हैं ये जो साउंडिंग रॉकेट्स है जिसका डायग्राम आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख रहे हो, ये साउंडिंग रॉकेट्स होता क्या है. सो व्हाट इज द साउंडिंग रॉकेट्स, पहले जानते हैं कि इसका जो नाम है कहाँ से है. सो द साउंडिंग रॉकेट्स, इनका जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम द नॉटिकल टर्म टू साउंड दैट मीन्स टू मेक मेजरमेंट्स. सो ये कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स रिसर्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साउंडिंग रॉकेट्स को. इंडिया में बात करें, साउंडिंग रॉकेट्स आर 1 or 2 stage सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स. जो प्रोपेलेंट है वो कहीं ना कहीं वेरी कर सकते हो, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, क्रायोजेनिक हो सकता है. सो यहाँ पर ये सॉलिड प्रोपेलेंस है 1 या 2 stage का. एंड क्या के लिए यूज़ करते हैं, टू हैव स्पेस रिसर्च को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साउंडिंग रॉकेट्स यूज़ करते हैं. और इस वजह से ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि दे प्रोवाइड एन अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म. एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जितने भी स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी प्रोटोटाइप्स हो उसे आप टेस्ट कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग जहाँ पर साउंडिंग रॉकेट्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एज वेल एज साउंडिंग रॉकेट्स होने की वजह से यू कैन ऑल्सो टेस्ट व्हाट इन साइड टू रॉकेट बॉर्न इंस्ट्रूमेंटेशन. आप इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं आप टेस्ट कर सकते हैं, एज आई टोल्ड इन आवर फर्स्ट पॉइंट. देन इसरो ने लॉन्च किया था ये जो साउंडिंग रॉकेट सिस्टम, ये कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था बैक इन 1965 से ही लॉन्च करते आया, जहाँ पर वो इंडिजियसली टेक्नोलॉजीज जो है वो ओवर द ईयर्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेट करके मोर एंड मोर डेवलप करते जा रहा है. एंड क्या किया इन्होंने, इन 1975 जितने भी साउंडिंग रॉकेट्स थे जो कि इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं उसे उन्होंने एक प्रोग्राम के अंडर डाले, जिसे वो नाम दिए उन्होंने रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम. सो इसीलिए जितने भी साउंडिंग रॉकेट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, RH. वी स्टार्ट दैट नेम फ्रॉम RH. फॉर एग्जाम्पल RH-560. सो ये जो RH है, RH क्या रिप्रेजेंट करता है, RH रिप्रेजेंट्स रोहिणी. सो लेट्स सी कौन से ऑपरेशनल रॉकेट सिस्टम्स, ऑपरेशनल जो साउंडिंग रॉकेट सिस्टम्स है एज फार एज इसरो इज कंसर्न, अपने पास 3 है. देर इज दिस RH-200, देर इज दिस RH-300 Mark II एंड RH-560 Mark III. अब यहाँ पर क्या है, रेंज आपको दिख रहा है फ्रॉम एल्टीट्यूड के हिसाब से आप रेंज कर सकते हो फ्रॉम 80 to 470, एज वेल एज जो पे लोड कैपेसिटी है, जिसका कैपेसिटी है जो वो ले सकते हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 10 kg to 100 kg. सो दैट इज समथिंग जो कि वेन इट कम्स टू द ऑपरेशनल साउंडिंग रॉकेट्स एज फार एज इसरो इज कंसर्न. नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे. अब क्योंकि आज का मोस्ट ऑफ द न्यूज़ वेर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, दैट इज वाई
आज के बोथ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक ओनली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एन पोर्टल और एन एप्लीकेशन नोन एज क्लेरा. सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इट्स एन कंटेम्पररी हैपनिंग. Whereas the second aspect is related to Gaganyaan, which again we have discussed in one of our videos. So please try to attempt this question. And as usual, these questions and its solutions, along with the explanations, in the form of PDF, you will get in video's description. Which the link is, you will get in the description. As well as the PPT, which we have analyzed, that also PPT in the form of a PDF, you would get in our Telegram group and video's description. So please join our Telegram group if you haven't done so. With that, study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.